Okay, Bismillahirrahmanirrahim and welcome you all in this class. आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है. आज हम बात करेंगे बायो वेस्ट मैनेजमेंट. आज हम बात करेंगे बायो वेस्ट मैनेजमेंट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके साथ बड़ा रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आप सब जो है आपने अभी लेब में काम शुरू करना है, इन क्लिनिकल लेब और डायग्नोस्टिक लेब और रिसर्च लेब. सो जब भी आप लेब में काम करते हैं, लाइफ साइंसेज में जब आप होते हैं, आप लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं, यू विल यूजिंग द लेब्स. सो यू आर जेनरेटिंग वेस्ट. और ये जो वेस्ट आप जेनरेट कर रहे हैं, अब आपको समझना है, ज़रूरी है कि इस वेस्ट को हैंडल कैसे कर रहे हैं. अगर आप वेस्ट को सही तरह हैंडल नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करते हैं, आप कंटेमिनेशन को फैलाते हैं. आप मजीद कम्युनिटी को, पब्लिक को, एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर रहे होते हैं. तो रिसर्च इज ऑलवेज फॉर द बेनिफिट, फॉर द एडवांटेज ऑफ द पीपल, द कम्युनिटी, द सोसाइटी. लेकिन अगर आप प्रॉपर यूज को नहीं कर रहे तो उसका नुकसान होगा, फायदे की. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बायो वेस्ट नेक्स्ट. यहाँ से है ओके. हैव यू सीन किस किस ने ऐसे हालात, ऐसे पिक्चर, ऐसे सिनेरियोस देखे हैं? रेज योर हैंड्स. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. आपने नहीं देखे? आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? एनी ऑफ फ्रांस? फ्रांस. तो जब आप आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, घर, बाजार, जहाँ आपको सड़क के किनारे और अपनी सिटीज में, अपने टाउन्स में, ऐसे ढेर सारी सिनेरियोस देखने को मिलते हैं. स्पेशली अगर आप जो हमारी नदी नालियाँ होती हैं, फड़ जो होते हैं, उनके किनारे भरे पड़े होते हैं हमारे वेस्ट से. एंड इस वेस्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो बायो वेस्ट पे मुश्तमिल है. वी सी द पीपल हु आर चूजिंग हु आर पिकिंग मटेरियल ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम दीज गार्बेज. ये क्या जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? लेकिन अगर मगर वो अलग जस्टिफाइड तो नहीं है. ये तो गलत काम कर रहे हैं. हाँ प्रॉब्लम. ये जो है ये वेस्ट, ये लोग यहाँ पे लेके आए थे. यहाँ पे कैसे आया और ये वेस्ट जेनरेट किसने किया? कौन इसको जेनरेट कर रहा है? हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, रिसर्च लैब्स, ठीक है, और इंडस्ट्रीज और एंड यूजर्स. हम ही हैं जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर इसको ठिकाने नहीं लगाते. जो इसकी जगह है वहाँ तक ये नहीं पहुँचती, तो ये गलत जगह पहुँचती है, गलत लोगों के हाथ लगती है, गलत इसका इस्तेमाल होता है. सो बजाय इनके कि हम इनको कोसें, हम खुद ज़िम्मेदार हैं इस वेस्ट के जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सबसे बुनियादी जिम्मेदारी उस शख्स की है जो वेस्ट को जनरेट कर रहा है. जो बंदा वेस्ट जनरेट कर रहा है उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इस वेस्ट को हैंडल कैसे करना है. जब तक आपके पास आपकी ट्रेनिंग ना हो, आपके पास नॉलेज ना हो, तो ये माल प्रैक्टिसेस होगी एंड द पर्सन हु इज जनरेटिंग द वेस्ट विल बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज माल प्रैक्टिसेस. आगे जाते हैं. बायोलॉजिकल वेस्ट, वेस्ट जनरेटिंग जनरेटेड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिसर्च, टेस्टिंग, डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स. एंड बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट वार एक्टिविटीज. इन एक्टिविटीज के दौरान
बायोलॉजिकल रिसर्च टेस्टिंग डायग्नोसिस इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट इंसानों की या जानवरों की इस दौरान जो वेस्ट जेनरेट होता है वो होगा बायोलॉजिकल वेस्ट और इसको शार्ट इसका ये है बायो वेस्ट जिसको हम बायो वेस्ट बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में आपकी वैक्सीन के बॉटल्स हो गए आपके सिरिंजेस हो गए उसको आपने प्रॉपरली हैंडल करना है। अगर आप उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और वेस्ट है आपका बायो वेस्ट जो कि गलत जगह पे जाएगा। ठीक है सो दीज आर द सोर्सेज। अब अच्छा और सोर्सेज क्या है अगर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें तो सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट। देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देन नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, डेंटिस्ट क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ब्लड बैंक्स एंड कलेक्शन सेंटर्स, एनिमल हाउसेज, स्लॉटर हाउसेज, लेबोरेटरीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड वैक्सीन सेंटर्स। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जहां पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं। अब देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बायो वेस्ट। रिमेंबर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बायो वेस्ट। सबसे पहला है शार्ट्स, नंबर सेकंड सॉलिड हैज़र्डस वेस्ट, नंबर थर्ड सॉलिड नॉन हैज़र्डस वेस्ट एंड नंबर फोर्थ इज लिक्विड वेस्ट। ठीक है हमारे पास लाइफ साइंसेस में लैब्स में हॉस्पिटल में चार किस्म के वेस्ट जनरेट होंगे। कौन कौन से? शार्प्स, सॉलिड हैज़र्डस, सॉलिड नॉन हैज़र्डस एंड लिक्विड वेस्ट। सो ये चार किस्में हैं इस फोर टाइप्स ऑफ वेस्ट हमारे पास जनरेट होते हैं। डिटेल पे बात करते हैं हर एक क्लास में। सबसे पहले शार्प्स। शार्प्स की चीज है ऑल द आइटम्स दैट आर शार्प इनफ टू पिक टू ब्रेक स्किन एंड पोटेंशियली कंटामिनेटेड विद अनस्टेरिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल। हर वो चीज जो इतनी नोकदार हो जो इतनी तेज हो कि आपकी स्किन को कट कर सकती है दे विल या इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ शार्प। एग्जाम्पल्स क्या है? नीडल्स, लैंसेट्स, स्कैल्पल्स, रेजर ब्लेड्स, ग्लास स्लाइड्स, ग्लास पार्शियल पाइपेट्स, पाइपेट टिप्स एंड बायोलॉजिकली कंटामिनेटेड ब्रोकन ग्लासेस। यस सर। जैसे आपका मीडिया है जाते जाते आप गिर गई मीडिया वो जो आपकी ग्लास थी उसके टुकड़े हो गए। नाउ ईच पीस ऑफ इट इज नाउ अ शार्प जो कि आपको प्रिक आपकी स्किन को प्रिक कर सकते हैं। ठीक है सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ शार्प्स। अच्छा इसमें पाइपेट टिप्स अगर ये प्लास्टिक के बने होते हैं बट अगेन दीज आर शार्प ये भी कभी कभार अगर आपको जोर से लग जाए आपको प्रिक कर सकते हैं। यस सर। सॉलिड हैज़र्डस वेस्ट आइटम्स दैट हैव कम इन कांटेक्ट विद वायबल बायोलॉजिकल और पोटेंशियली इंफेक्शियस मटेरियल्स। हर वो सॉलिड जो कि बायोलॉजिकल या पोटेंशियली इंफेक्टेड मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आ जाए वो होगा सॉलिड हैज़र्डस वेस्ट। ठीक है हर वो सॉलिड वेस्ट जो कि बायोलॉजिकल या इंफेक्शियस वेस्ट के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो वो बन जाता है हैज़र्डस वेस्ट। अब याद रखें कि 80-85% ऑफ द वेस्ट इज नॉट इन्फेक्शियस, ओनली 15-20% ऑफ द वेस्ट इज इन्फेक्शियस। अगर हम इसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन कर ले इट्स सोर्स जहां ये जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 80% ऑफ द वेस्ट जो है उसकी जरूरत नहीं होगी उस ट्रीटमेंट की, जबकि जो 15% हैज़र्डस वेस्ट होगा इन्फेक्शियस वेस्ट होगा सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जांपल्स क्या है हैज़र्डस वेस्ट की? पीपीई आपके जितनी भी है ग्लव्स एप्रॉन मास्क शूटओवर एक्सेट्रा डिस्पोजेबल कल्चर फ्लास्क और सेरोलॉजिकल पाइपेट्स विल प्लेट्स एब्जॉर्बेंट टिश्यूज वेस्ट आइटम्स कंटेमिनेटेड विद ब्लड। हर वो आइटम जो कि ब्लड के साथ कंटेमिनेटेड हो जाता है उसको हम सॉलिड हैज़र्डस वेस्ट तस्वर करेंगे।
Then comes solid non-hazardous waste. This includes solid waste that is potentially free of contamination. For example, we may say a green waste, जैसे कि किचन वेस्ट है. इसके एग्जाम्पल में क्या चीजें आएंगी, पेपर्स, आपके कागजात हो गए, टॉवल्स, और जो चीज़ें आपकी पैकिंग है उसमें जो आपके मटेरियल्स आते हैं वो सारी पैकिंग्स, टिश्यूज, प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक है, इसमें आपकी इक्विपमेंट के मटेरियल्स आते हैं. क्लीन पैकेजिंग फ्रॉम नीडल्स, सिरिंजेस एंड आईवी लाइन्स, जो डब्बे होते हैं, ये सारे आपके आएंगे सॉलिड नॉन हैज़र्डस वेस्ट. नाउ कम्स लिक्विड बायोहैज़र्ड वेस्ट. Any liquid waste that is contaminated with potentially hazardous biological agent will be liquid hazardous waste. Iske example kya hai, culture media hai, culture broths, cooled clinical specimen liquids, human and animal blood, body fluid and cell line etc. ye sari cheeze hongi liquid hazardous waste. Ab har waste decontamination ka tarika juda juda hai, उस पे हम आगे चल के बात करते हैं. ओके, सो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये शुरू होगा सेग्रीगेशन से, फॉलोड बाय पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनली ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. तो ये सारा का सारा ये प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है ये इंक्लूडेड है. जब वेस्ट आपके जनरेट होगा, आपने इन्हीं प्रोसेस से वो गुजरेगा आखिर सेग्रीगेशन से लेकर डिस्पोजल तक. ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि हमें इंश्योर कराएं कि जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट सेग्रीगेशन से लेकर डिस्पोजल तक वो प्रॉपर चैनल और रूल फॉलो करें. अब सेग्रीगेशन की जब हम बात करते हैं तो इस तस्वीर को याद रखें, हमारे पास कलर कोडेड बेंस होने चाहिए. यस, आगे बात करते हैं. ओके, सो सेग्रीगेशन रेफर्स टू द बेसिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट जनरेटिंग सोर्स. जहां पे वेस्ट जनरेट हो रहा है वहां पे इसकी सेग्रीगेशन हो, शार्प जाए शार्प के बॉक्स में, हैज़र्डस जाए हैज़र्डस की, जो आपके पास बिन है, और नॉन हैज़र्डस अपनी बिन में जाएगा, लिक्विड जाएगा सीवर, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट बात करते हैं उस पे. क्या फायदा होगा जब इट सोर्स सेग्रीगेशन होगी, इट रिड्यूसेस रिस्क एंड इट रिड्यूसेस कॉस्ट. कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है, हाउ जी उसको हैंडल करना है, उसको ट्रीट करना है. लेकिन अगर आप मिक्स कर लेते हैं देन यू विल कंसीडर ऑल द वेस्ट इज हैज़र्डस वेस्ट. तब आपने पूरी की पूरी जितनी वेस्ट है 100% वेस्ट उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी. तो अगर आपकी प्रॉपर सेग्रीगेशन हो तो आपका कास्ट भी कम होगा, आपका टाइम भी की भी बचत होगी, रिस्क भी कम होगा. तो ये ढेर सारे फायदे होंगे. आई वॉज इन जर्मनी. सो जर्मनी में इवन हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे घर में, वी वर सपोज टू सेग्रीगेट ऑल द वेस्ट. उसमें हमारा किचन वेस्ट एक बिन होता था जिसमें जाता था, उसको हम ग्रीन, उसकी पैकिंग होती थी ग्रीन बिन. फिर हमारा जो वेस्ट था जैसे कि रिसाइकलेबल, वो दूसरे बिन में जाता था. उसके बाद तीसरी किस्म की जो शार्प्स हो गए, क्योंकि वहाँ पे लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो जो शार्प्स हो गए उसका अपना बिन होता था. तो घर में सेग्रीगेशन, फिर घर से वो थैलियाँ लेके आप जाते थे नीचे बिल्डिंग के सामने, बड़े बड़े बेंच होते हैं, बड़े बेंच, वहाँ पे जाके आपने कोरिस्पॉन्डिंग बिन में अपना कोरिस्पॉन्डिंग जो वेस्ट था वो डालना होता था, मिक्स करके नहीं डालना होता. यहाँ पे तो हम पढ़ा रहे हैं कि बायोलॉजिकल लैब्स में और हॉस्पिटल्स में इसकी सेग्रीगेशन ज़रूरी है, वो तो है ही है. डिवेलप्ड कंट्रीज में आपके घर का जो वेस्ट है वो भी सेग्रीगेट होना ज़रूरी है, ठीक है. सो
ऑफ द टोटल बायो वेस्ट 85% इज नॉन हैज़र्डस, ओनली 15% इज हैज़र्डस. अगर आप मिक्स कर लेते हैं तो आपने सबकी ट्रीटमेंट करनी होगी, नहीं तो सिर्फ इस वेस्ट की सेग्रीगेशन के बाद ट्रीटमेंट जरूरी है, बाकी वेस्ट की ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है. अब सेग्रीगेशन के कलर कोडिंग बहुत जरूरी है, WHO भी रिकमेंड कर रहा है, सारे बड़े इदारे रिकमेंड करते हैं कि आपकी कलर कोडेड बिन्स होने चाहिए. सो टाइप ऑफ वेस्ट, कलर ऑफ कंटेनर एंड मार्किंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर. सो जैसे आपके पास हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट होगा तो यू कैन पुट इट इन द येलो एंड मार्क इट हाईली इन्फेक्शियस, उस पर आप मार्क करेंगे हाईली इन्फेक्शियस एंड विद बायो हैज़र्ड सिंबल, उसके ऊपर की बायो हैज़र्ड का सिंबल भी होना चाहिए. आगे से मिला जाएगा, मैं दिखा दूंगा. और कंटेनर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग और कंटेनर केपेबल ऑफ बीइंग ऑटोक्लेव्ड. ऐसा अगर प्लास्टिक बैग है तो कितना स्ट्रांग हो, इतना इसके स्पेसिफिक बैग्स आते हैं जो कि ऑटोक्लेवेबल होते हैं. ठीक है, तो हमने उसमें डाल दिया. अदर इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक पैथोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, ये भी येलो बैग में जाएंगे, उसके ऊपर बायो हैज़र्ड का सिंबल होगा लेकिन उसके ऊपर हाईली इन्फेक्शियस नहीं लिखा होगा. और ये भी लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग या कंटेनर होना चाहिए. देन बारी आती है शार्प्स की. शार्प भी इन्होंने येलो कलर रिकमेंड किया है, मार्क विद शार्प्स, इस पे शार्प लिखा होना चाहिए, उस पे बायो हैज़र्ड की सिंबल होना चाहिए. ये कंटेनर होगा, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, कंटेनर होगा, ये बैग नहीं होगा. शार्प जो है आपका, शार्प जाएगा शार्प कंटेनर. शार्प किधर जाएगा? शार्प कंटेनर. कितना वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, उसके सारे वॉल्स रूफ वगैरह पंक्चर रेजिस्टेंट होने चाहिए, पंक्चर प्रूफ कंटेनर. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है ये आपका जाएगा ब्राउन कलर में और लेबल विद एप्रोप्रिएट हैज़र्ड सिंबल, और ये प्लास्टिक बैग अरेंजमेंट कंटेनर में जाएगा. फिर बारी आती है रेडिएटिव वेस्ट, अगर आपके पास हो रहा है तो लेबल में रेडिएशन सिंबल, उसके ऊपर रेडिएशन का सिंबल होना चाहिए, और ये जाएगा लिड बॉक्स में. ठीक है, ये लिड बॉक्स में जाता है ताकि वहाँ पर इसकी रेडिएशन खत्म हो जाए. अगर ये हम इसको ओपन रख लें या और बैग में रखें तो उसी रेडिएशन निकलती है जो कि इंसानों को बीमार कर सकती है. देन बारी है जनरल हेल्थ केयर वेस्ट, ये ब्लैक में जाएगा और आगे जाके प्लास्टिक बैग में जाएगा. ये जो है WHO की रिकमेंडेड कलर कोडिंग है. अब हर इदारा उनके पास इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से कलर कोडिंग बनाए. ये येलो सजेस्ट कर रहे हैं बेशक, आप यहाँ पे ब्लू भी डाल सकते हैं, कोई और कलर आप सजेस्ट कर सकते हैं. इन्होंने शार्क के लिए भी येलो कलर सजेस्ट किया है तो आप रेड सजेस्ट कर सकते हैं. आपके पास रेड कलर के कंटेनर होने चाहिए. ये आप के पास आज़ादी है कि आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कलर कोडिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन जो कलर कोडिंग आप चूज कर लें फिर वो पूरे इदारे के लिए एक जैसा होना चाहिए. ऐसा ना हो कि जुआलॉजी में एक जैसा हो, बायोकेमिस्ट्री में दूसरी किस्म का हो, फार्मेसी में तीसरी किस्म का, डी में पूरे इदारे में. फिर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की एक ही कलर कोडिंग होनी चाहिए और सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो उस कलर कोडिंग को फिर फॉलो करें. इज इट क्लियर? शार्प जाएगा इस तरह की कंटेनर में. ये स्टडी होता है, लीक प्रूफ, पंक्चर प्रूफ होता है. आप यहाँ पे जो है जो आपका शार्प होता है उसमें एज होल इसमें डालते हैं. अवॉइड द यूज ऑफ नीडल्स वेयर सेफ एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. जहाँ पे इफेक्टिव अल्टरनेटिव अवेलेबल है वहाँ पे सिरिंजेस और नीडल्स ना यूज करें. यानी कि आपकी ओरल मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर इंजेक्शन. जब अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो अवॉइड करें. प्लेस इंटैक्ट शार्प्स विद अ कंटामिनेटेड आर नॉट इन अ पंक्चर रेजिस्टेंट शार्प कंटेनर. शार्प जो है उसको आप इंटैक्ट शार्प को डालते हैं इसमें, ना कि आप टुकड़ों में. जैसे कि आपकी सिरिंज है, सिरिंज की हमारी कॉमन प्रैक्टिस क्या है, या तो कटर से हम कट करते हैं या नीडल रिमूव करके उसको फेंकते हैं और यहाँ पे डालते हैं और सिरे नहीं. जो आपकी पूरा का पूरा नीडल है वो इसमें जाना चाहिए, और नीडल की कटिंग वो तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप एक शार्प से दो तीन शार्प बना रहे हैं. ठीक है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है. डू नॉट रीकेप द नीडल, डू नॉट बेंड द नीडल, डू नॉट remove the needle from the syringe. Rather, put the syringe as a whole in this container. Why? 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 इसलिए अगर आप कट करते हैं तो एक शार्प से आप दो शार्प बना रहे हैं, अगर आप बेंड कर रहे हैं तो
तो अगेन देयर इज चांसेस बेंड कर रिंग पर तो उसके ऊपर केप भी नहीं जाएगा, आपको लग सकती है। रीकेप इसलिए नहीं करना कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो नीडल स्टिक की है वो तब होती है जब आप रीकेप कर रहे होते हैं, थोड़े से आप हिल गई आपको नीडल स्टिक हो सकती है और नीडल स्टिक कुड बी वेरी डेंजरस, दे कैन डिसमिनेट मेनी डिजीजेस लाइक HIV, लाइक हेपेटाइटिस बी, लाइक हेपेटाइटिस सी। अगर किसी बंदे से आप कोई नर्स ब्लड ले रही है, उस बंदे को HIV है, उसको नीडल स्टिक हो गई नर्स को, तो इन्फेक्शन उसको भी हो गया। नीडल स्टिक पे मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, यू मे वॉच इट, ठीक है। सो इसलिए डू नॉट रीकेप, बेंड, रिमूव और क्लिप द नीडल एज ए होल ऑफिस में डन। डू नॉट ओवर फिल कंटेनर, फिल इट 3/4 व्हेन इट इज फिल्ड, 3/4 हो जाए 75%, देन यू हैव टू आप इसका स्नैप एट द लिड क्लोज, फिर इसका लिड आप क्लोज करेंगे और इसको आप डिस्पोज करेंगे। ओवर फिलिंग और फोर्स फिलिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज। अगर आप यहाँ तक आप इसको भर लें फिर जोर करके आप इसको और भी भर रहे हैं तो क्या होगा, रिस्क ऑफ नीडल स्टिक्स होगा। इसलिए आपने इसको 3/4 इसको फिल करना है फिर इसको डिस्पोज करना है। नॉन हैज़र्डस वेस्ट, हैज़र्डस वेस्ट बनेगी शार्प्स, उसके बाद हैज़र्डस ओके। सो नॉन हैज़र्डस जो आपका है कलेक्ट नॉन पैथोलॉजिकल सॉलिड वेस्ट इज ग्रीन वेस्ट, ये आपका शुमार होगा इज ग्रीन वेस्ट। लो रिस्क वेस्ट इंक्लूड्स गार्बेज इन जनरल, डे टू डे वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय फूड स्टफ लेफ्टओवर्स एंड योर पैकेजिंग। जो आपका खुराक बच जाता है, आप पिज्जा खा लेते हैं तो उसके डब्बे छपे हो गए, जो आपसे बचत हो जाती है, अगर तो बचत होगी तो फिर वो किधर जाएगी, ग्रीन वेस्ट। द सॉलिड नॉन हैज़र्डस वेस्ट मे बी कलेक्टेड इन अ ब्लू कलर बैग एंड इन अ हाउस होल्ड डस्टबिन। ये ब्लू में ग्रीन में भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी पॉलिसी है आपके इंस्टीट्यूट की उस हिसाब से आप इसको उस कलर बिन में आप कलेक्ट करते हैं और दिस इज नॉन हैज़र्डस और आप इसको फिर आगे डिस्पोज करते हैं। हैज़र्डस सॉलिड वेस्ट, कलेक्ट नॉन शार्प सॉलिड पैथोलॉजिकल वेस्ट इन ऑटोक्लेवेबल प्लास्टिक बैग्स। आपके पास ऐसे बैग होने चाहिए ऑटोक्लेवेबल बैग्स, ठीक है, और ये अच्छे क्वालिटी के होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन दीज आर ऑटोक्लेवेबल एंड दीज आर रिकमेंडेड। शुड लिड्स द रिमेन क्लोज्ड एक्सेप्ट व्हेन वेस्ट इज डिस्कार्डेड। जो आपका बिन है वो पेडल ऑपरेटेड होना चाहिए, बाकी टाइम में इसका ढकना बंद हो, सिर्फ जब आपने यूज करना है तो और उसे प्रेस करके ढकना खुल जाता है, आप उसमें वेस्ट डाल देते हैं। पेडल ऑपरेटेड डिवाइस टू ओपन द लिड, कलर कोडेड ऑटोक्लेवेबल बायोहैज़र्ड बैग इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर कलर कोडेड बैग्स होनी चाहिए जिसके ऊपर ये बायोहैज़र्ड का सिंबल है, उस पर ये सिंबल भी होना चाहिए, ये सिंबल बायोहैज़र्ड सिंबल। अवॉइड शेकिंग द बैग एज दिस कुड कॉज लिक्विड्स आर एरोसोल्स टू बी रिलीज्ड। डोंट शेक इट, जब ये फिल हो जाए, ये भी जब 3/4 फिल हो जाए आप इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने के मैं तरीके बता दूँ, अगर आप इसको शेक करते हैं तो फिर क्या होगा, एरोसोल्स जेनरेट हो सकते हैं, लिक्विड जेनरेट पार्टिकल जेनरेट हो सकते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। लिक्विड वेस्ट, सम लिक्विड मेडिकल वेस्ट मे बी डिस्पोज ऑफ इन सिंक्स इफ द वेस्ट इज फर्स्ट ऑटोक्लेव्ड आर ब्रॉट टू अ फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ 1% ब्लीच। जो भी आपका लिक्विड वेस्ट होगा ये जाएगा सीवर में, लेकिन सीवर में जाने से पहले आपने इसको डीकंटेमिनेट करना। लिक्विड की डीकंटेमिनेशन का बेहतरीन प्रोटोकॉल जो है, बेहतरीन जो मटेरियल है, दैट इज ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइड। 1% ब्लीच इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट, अ गुड डिटर्जेंट। जो आपके लिक्विड है आप उसको ट्रीट करें ब्लीच के साथ, बट गिव प्रॉपर कंटेक्ट टाइम। The following medical waste may not be drained, disposed. Human or animal cells suspected of containing infectious agents. अगर आप bacteria के साथ काम कर रहे viruses के साथ और आपने उनको culture कर लिया, वो sewer में नहीं जाएंगे, rather आप उसको पहले autoclave करें, because यहाँ पे high number of bacteria and viruses मौजूद है, इसलिए आप इसको पहले autoclave करें।
culture and stocks of infectious agents waste from the production of infectious bacteria, viruses, live and generated vaccines, ये जितनी भी है इसको आपने डायरेक्ट ड्रेन नहीं करना, इसकी पहले आपने ट्रीटमेंट करनी। नॉन इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल शुड ओनली बी मेड टू सैनिटरी सीवर ओनली, जो नॉन इन्फेक्शियस होगा उसको आप सीवर में पोर कर सकते हैं इवन विदाउट ट्रीटमेंट, लेकिन जो भी इन्फेक्शियस है, जिसके साथ ब्लड कॉन्टैक्ट में आ जाए, जो भी आपका लिक्विड पोटेंशियली कंटेमिनेटेड होगा या ऑब्वियसली कंटेमिनेटेड होगा, उसकी आप पहले ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आप जाएंगे डिस्पोजल। नाउ पैकेजिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ बेक टाइम मेजर, आपने प्रॉपर बेक यूज करना है, ये बेग जो है स्टडी और अच्छे क्वालिटी के बेग्स होते हैं, वो आप सारे हैज़र्डस वेस्ट इसमें कलेक्ट करते हैं। दिस इज सिंपल लंच, ठीक है, आप इसको देते हैं सिंपल लंच। देन गूज निक और स्वान निक मेथड, गूज डू यू नो गूज, व्हाट इज गूज, ये गूज और स्वान ऐसे बर्ड्स हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी लंबी नेक होती है, ठीक है, तो लंबी नेक होती है इनकी, और इसलिए इस मेथड को बोला जाता है गूज नेक और स्वान नेक। जब ये टू थर्ड या थ्री फोर्थ फिल हो जाए, फिर आप इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है आप उसको ट्विस्ट कर लें, ट्विस्ट करते हैं, आपने इसका जो किनारा है इसको यहाँ पे अभी यहाँ तक फेल हो गया, तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, आप इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, इसको ट्विस्ट करें, ट्विस्ट हो गई, अब ये इसको आप ऐसे मरोड़ लें, ये निक नजर आ रहा है जैसे बर्ड का निक है, इसलिए इसको बोला जाता है स्वान निक या गूज निक। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, नट ये वाला सेल्फ लॉकिंग टेप ये आप अप्लाई करते हैं, उसको खींचते हैं, ये आप एक दफा अप्लाई कर ले फिर ये खुलता नहीं है, आप इसको फिर कैंची से काटना पड़ेगा, लेकिन ये दोबारा नहीं जलता, ठीक है, तो इस स्वान निक पे आप ये अप्लाई करके इसको खींच ले तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखें कि अगर आपके पास सॉलिड हैज़र्डस वेस्ट है, इसको आपने ऑटोक्लेव करना है, तो फिर ये आप अब ना लगा, इस पे हल्का सा नट लगा लें ताकि ये खुला रहे थोड़ा, और जो ऑटोक्लेविंग है, ऑटोक्लेविंग इज अ वेरी नाइस प्रोसीजर, इट किल्स ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इट गिव्स कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल पैथोजेंस। ऑटोक्लेविंग कब होती है, क्या इसके है, हाउ इट इज अचीव्ड ऑटोक्लेविंग, व्हाट इज द प्रॉपर टेंपरेचर फॉर ऑटोक्लेविंग, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 for how much time, 15 for 15 minutes, and how much pressure, 15 psi, 15 psi pressure, 15 minutes time and 121 degree centigrade temperature, the sterilization is achieved. Sterilization kya hai, complete removal of all pathogens, all microorganisms. So अगर आपने ऑटोक्लेव करना है तो इस पे आप ये वाला नट नहीं लगाएंगे, ये भी टाइट नहीं लगाएंगे, इसको लूज रखेंगे ताकि उसके अंदर स्टीम चली जाए, और ये इसलिए 121 पे लेता है ताकि वो स्टीम और ये प्रेशर से स्टीम जाता है और सारे माइक्रोब्स को किल कर देता है। नाउ लेबलिंग, रिमेंबर ईच बैग शार्प कंटेनर मस्ट हैव अ सेपरेट लेबल, हर एक पे अपना लेबल होना चाहिए, जनरेटर्स बिल्डिंग रूम नंबर, लेबलिंग पे क्या होना चाहिए, जनरेटर का रूम नंबर इस पे मौजूद हो, वेस्ट जनरेटर बियर्स द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जो वेस्ट जनरेटर है जो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, सेग्रीगेशन पैकेजिंग लेबलिंग सब जिम्मेदारी उसकी बनती है। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट नॉट ट्रीटमेंट, ये आप जब वेस्ट आप लेबल कर रहे हैं तो आप इस पे बताएंगे कि आपने वेस्ट की ट्रीटमेंट की है कि नहीं की है, ताकि आगे जाकर और लोग इसे इन्फेक्ट ना हो। वेस्ट बायोहैज़र्डस फॉर ह्यूमन मस्ट बी लेबल विद अ बायोहैज़र्ड सिंबल, इस पे बायोहैज़र्ड का सिंबल जरूर होना चाहिए जो आपका बैग है, अगर ये हैज़र्डस वेस्ट है तो इस पे बायोहैज़र्ड का सिंबल जरूर होना चाहिए। नाउ कलेक्शन,
No, we will complete it. Race selection. Shant ho jaye. Should be established as part of a boy waste management plan. वेस्ट कलेक्शन कैसी होगी? शुड बी एस्टेब्लिश्ड इज अ पार्ट ऑफ बायो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ये आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए. इंश्योर साइलेंस प्लीज द वेस्ट इज कलेक्टेड एट लीस्ट डेली एक्सेप्ट शार्ट्स. बाकी वेस्ट जो है वो आपका डेली कलेक्ट हो. शार्ट्स में भी आपके सिस्टम में इतना शार्ट्स नहीं जनरेट हो रहा कि डेली उसको कलेक्ट किया जाए, तो उस हिसाब से अगर वीकली उतना बन रहा है, मंथली बन रहा है, दो दिन बाद बन रहा है, जिस हिसाब से आपका शार्प फिल हो रहा है कंटेनर, उस हिसाब से इसकी कलेक्शन. कंटेनर्स आर नॉट ओवर फिल्ड. इंश्योर कि आपके कंटेनर है ओवर फिल्ड ना हो. सेग्रीगेशन इज मेंटेन एंड शार्प्स वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन द बॉक्स इज 3/4 फिल्ड. जब ये 75% फिल हो जाएगा 80% तब आपने इसको कलेक्ट करना. स्टोरेज, इसकी कहां पे स्टोरेज हो? द स्टोरेज एरिया शुड हैव, स्टोरेज एरिया की क्या खूबी होनी चाहिए? इम्परमिएबल हार्ड स्टैंडिंग फ्लोर विद गुड ड्रेनेज. अच्छी जगह हो जिसकी ड्रेनेज आराम से हो सकती है. वाटर सप्लाई मौजूद हो वहाँ पे, और जो एरिया है वो लॉकेबल हो, उसकी डोर हो ताकि आप उसको लॉक कर सकते हो. ये ना हो कि वहाँ पे स्केवेंजर्स, बर्ड्स और ये जो लोग पिक कर रहे होते हैं कबाड़ वाले, ये वहाँ उनकी एक्सेस ना हो. और जो व्हीकल जाती है, जो कलेक्ट करती है, वो आराम से वहाँ पे पहुँच सकती हो. वहाँ पर कोई रोड शोर मौजूद हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डायरेक्ट सन उस पर ना पड़ रही हो. नाउ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा रहता है. सो द बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन ट्रॉली आर इन कवर्ड व्हील बेरोज इन व्हीकल्स. ये आप ट्रॉली में इसको ट्रांसपोर्ट करें या कवर्ड व्हील बेरोज होने चाहिए, ये ओपन ना हो आपकी वेस्ट. द बैग्स कंटेनर शुड बी टाइड इन लिडेड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन. जब आपने इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप इसकी लिड बंद करें, कवर करें इसको, ताकि उससे वेस्ट गिरे ना. बिफोर ट्रांसपोर्टेशन अ साइन डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोवाइडेड. या की जिम्मेदारी है कि आप साइन डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करें और फिर उसको थोलना चाहिए जहाँ पे हम, फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी है जो कि अब्दुल रहीम खान यूनिवर्सिटी से वेस्ट कलेक्ट कर रही है, तो जितना वेस्ट हम उनको दे रहे हैं हम थोल के दें कि 100 kg वेस्ट हमने आपको दिया. जब ये आउट फाइनल डिस्टिनी पे जाएगा तो वहाँ भी इसका वेट होना चाहिए कि 100 kg वहाँ पे मौसूल हुआ, बीच में उसकी कोई चार्टी तो नहीं होगी. ठीक है, तो इसलिए जरूरी है. Special vehicle must be used to prevent direct contact with the driver, scavenger and the public. ऐसे कंटेनर होने चाहिए कि ड्राइवर इस के साथ कॉन्टेक्ट में ना होगा, नहीं तो फिर इसकी जान का खतरा होगा, रिस्क होगा. इसका एक अलग पोर्शन हो, इसका अलग हो, स्केवेंजर वहां तक एक्सिस ना करते. हैंडलिंग डिवाइसेस कौन से हैं आपके पास? ट्रॉलीज हो सकते हैं आपके पास, व्हील बेरोज हो सकते हैं. ये ट्रॉलीज जैसे व्हील बेरोज ऐसे, लेकिन सबके डब्बे बंद होने चाहिए. देखो ये कलर कोडेड है, बायोहैजर्ड की सिंबल लगी हुई है, ये व्हील बेरोज है, आप आराम से आसानी से इनको ड्रेक कर सकते हैं. अच्छा, अब देखें ये ले आईसी ट्रांसपोर्टेशन है. हॉस्पिटल में बंदे बेचारे पड़े हैं बीमार, और ये जिस तरह ड्रेक कर रहे हैं तो ये बजाय फायदे के उल्टा पूरे हॉस्पिटल को या पूरी जितनी एरिया है सबको कंटेमिनेट किया जा रहा है. Do not carry waste in open bags and never carry it through crowded area. जो crowded area है, जैसे ये जगह है, आप यहाँ पे ना हो बल्कि एक साइड पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो और प्रॉपर टाइमिंग हो इसकी कि कब होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज गुड, आईसी होनी चाहिए. बंदे ने पीपी पहने हैं और ये बायोहैजर्ड का सिंबल लगा है, व्हील है, कवर्ड है, खूबसूरत ना कि वो. Have you seen it? Garbage transported like this, waste transported like this. ये जाम जहाँ जा रहा होता है, वेस्ट इसे गिर रहा होता है, बजाय फायदे कि ये वेस्ट जो है और भी फैला रहा है. It'll be like this. Closed container, driver से इसकी compartment जुदा हो, close हो ताकि इसके ranger जो से वो महफूज हो. अब आखिरी बात है बाय वेस्ट ट्रीटमेंट की. दिस इज लास्ट, ओके. ट्रीटमेंट में जरूरी है कि आप दो किस्म की ट्रीटमेंट आप करते हैं. एक होता है ऑन साइट ट्रीटमेंट और दूसरा होता है ऑफ साइट ट्रीटमेंट. साइलेंस प्लीज. जो आपका ऑन साइट ट्रीटमेंट है, दिस इज रिकॉर्डेड, यू नो
और उसकी रिकॉर्डिंग में जाएगा कीप साइलेंस क्या होगा देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट हैव बीन सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट कौन कौन से मेथड्स हैं जिसपे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग सबसे मोस्ट तरीका है ऑटोक्लेविंग उसके बाद है इंसिनरेशन थर्मल इनक्यूबेशन गैस वेपर स्टरलाइजेशन केमिकल डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट जी जी एक्सप्लेनेशन इंसिनरेशन है आपका डू यू नो इंसिनरेशन इंसिनरेशन एक सिस्टम है जिसमें आपका वेस्ट जाता है यूजुअली हॉस्पिटल या बड़े सेटअप जो होते हैं उनके पास होता है और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है और ये हर एक चीज को एश में बदल देता है इवन आपके शार्प्स जो है शार्प्स भी जब यहाँ पे जाते हैं इंसिनरेटर जो है उसको हाई टेम्परेचर पे इसको हर एक चीज एश में बदल जाता है तो जो आपके हैज़र्डस या इन्फेक्शियस वेस्ट है वो इंसिनरेट होता है जो आपके ऑटोक्लेव्स है दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स कुछ है प्रेशर टाइप ऑटोक्लेव आपने देखे होंगे ये कुछ अच्छे टाइप के ऑटोक्लेव है तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव और ऑटोक्लेव इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इट गिव यू स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेंस और इट्स अ वेरी गुड मेथड एंड यू मस्ट हैव इट इन लैब फॉर द डीकंटामिनेशन प्रोसीजर हाउ टू ट्रीट ईच वेस्ट ये आखिरी स्लाइड है जो आपका एयर है जैसे हेपा फिल्टर आर यू पी ए फिल्ट्रेशन उससे ट्रीट होना चाहिए इक्विपमेंट जो है सरफेस लिक्विड डिसइंफेक्टेंट आप अप्लाई करें इथेनॉल वगैरह फ्यूमिगेशन से भी आप कर सकते हैं जो रेडियोलॉजिकल है वो डीके आउट है रेडियोलॉजिकल को आप टाइम दें उस लेड बॉक्स में रखिए वो खुद डीके हो जाएगा वक्त के साथ साथ उससे रेडिएशन निकल जाएगा जो केमिकल वेस्ट है डिस्पोज ऑफ इन रिकॉर्डिंग विद योर केमिकल हाइजीन प्लान जो है उसके हिसाब से आप उसको करें जो शार्प्स है वो आप कर सकते हैं ऑटोक्लेव कर सकते हैं या लीक्विड डिसइंफेक्शन से भी अप्लाई करके आप उसको साफ कर सकते हैं सॉलिड जो है वो अगर नॉन कंटामिनेटेड है तो फिर नॉर्मल ट्रेश कंटामिनेटेड है तो फिर ऑटोक्लेव इंसिनरेशन बरियल और लिक्विड केमिकल डिसइंफेक्शन ये सारे प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर लिक्विड है तो एयर लिक्विड डिसइंफेक्टेड सबसे मोस्ट कौन सा है ब्लीच 1% ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइट ऑटोक्लेव कर सकते हैं इसको बर्न कर सकते हैं सेंट्रल इफ्लुएंट डीकंटामिनेशन सिस्टम में भी डाल सकते हैं अगर एनिमल का कार्स है मेनोर है फीड है टिश्यू है तो आप उनको ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं इंसिनरेट भी कर सकते हैं और बरी भी कर सकते हैं और ये आखिरी स्लाइड श्रेणी जो आपके पास आपकी जो 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 आपकी होती है आपकी शार्प्स होते हैं ये फाइनल डेस्टिनेशन में जाने से पहले आप श्रेडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप सारी चीजें डाल के उसको श्रेड करता है छोटे छोटे पीसेज में ये इसलिए फायदा मंद है कि जो चांटी वाले लोग होते हैं ताकि उसमें से कोई चांटी ना कर पाए ताकि ये छोटे छोटे हिस्से में तकसीम हो और आगे जाके इसकी एक्सेलरेशन भी आसान हो जाए ठीक है एंड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स हैं ये डिफरेंट मेथड्स हैं ओपन डंप्स हैं आप ओपनली भी डंप कर सकते हैं और लेकिन ये लीगल नहीं होता फिर इसके अपने साइट्स होते हैं जैसे ये साइट है यहाँ पे आपका ट्रक आएगा यहाँ पे चीज़ गिराता है गिरा लेगा और ये डेडिकेटेड स्पेसेस होते हैं जो आपकी म्यूनसिपल कमेटी है वो आपकी डेडिकेटेड प्लेसेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप चीज़ों को डंप दिस इज़ आर थैंक यू सर थैंक यू